हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। दोस्तों, 11th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, एपिसोड नंबर 13, टॉपिक का नाम है आणविक द्रव्यमान। स्टार्ट करें, इससे पहले जान लें कि अगर किसी बच्चे को नोट्स, डेली नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे अपना नेम, आप कहां से हैं, कमेंट करें। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक सेंड करूंगा, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। और बच्चों, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि डेली क्लास अपलोड हो जाती है, डेली क्लास मैं लगाता हूं और आपको डे बाय डे रेगुलर जिस तरीके से क्लासेस, स्कूल क्लास के अंदर, ट्यूशन क्लास के अंदर जिस तरीके से आपको सिलेबस करवाया जाता है, इसी तरीके से अपना सिलेबस चल रहा है। तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है मेरे साथ साथ चलती रहेगी। चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अणु भार, जिसको अपने आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, इसको मोलर मास भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। ठीक है, इसे अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, अणु भार या आणविक द्रव्यमान अगर बात मैं करूं तो पिछला एपिसोड जिसने देखा है उसको पता था कि मैंने परमाणु द्रव्यमान करवाया था, तो परमाणु को तोलने के लिए हमने एक बाट का यूज किया था। ठीक है, किसी भी चीज को तोलने के लिए एक बाट रखते ना, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, तो जो बाट यूज करते हैं वो बाट हमने यूज किया था कार्बन 12 का 1/12 भाग। ठीक है, जिन्होंने ये पीछे वाली क्लास, पिछला एपिसोड, एपिसोड नंबर 12 नहीं देखा, वो फटाफट देख करके और फिर ये क्लास शुरू करें तो आपको वास्तव में ज्यादा मजा आएगा। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बच्चों, मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि ये मेरे पास कोई एक तुला है। ठीक है, इसके साथ ये इसके दो पलड़े हैं, जिस तरीके से ऐसे होते हैं यूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां पर किसी अणु को तोलना है, किसी अणु को तोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे CO2 अणु को तोलना है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको तोलने के लिए इधर मैं जो यूज कर रहा हूं वो क्या यूज कर रहा हूं, टुकड़े यूज कर रहा हूं। किसके किसके टुकड़े यूज कर रहा हूं, कार्बन 12 के 1/12 भाग के। अरे, कार्बन 12 मतलब वो कार्बन जिसका परमाणु भार कितना है, 12 है। ठीक है, दो कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है, उसका यूज कर रहा हूं। अब इसके मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर मैं सीधा कार्बन 12 का यूज करता, अगर मैं इसको तोलने के लिए सीधा कार्बन 12 रख लेता और इसका भार अगर मान लो 44 है, तो 12 से 44 कैसे तुलेगा, 12 से तो या तो 12 तुल सकता है, या 24 तुल सकता है, या 12 या 36 तुल सकता है। ठीक है, लेकिन बीच की कोई राशि नहीं तुल पाएगी, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाट वो लेना पड़ेगा जिसका द्रव्यमान इकाई हो, यूनिट मास हो। तो इसका तो यूनिट मास है नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस कार्बन 12 के क्या करता हूं, बराबर 12 टुकड़े कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, बराबर 12 टुकड़े कर लेता हूं। ये मानो, ऐसे मानो कि ये बराबर टुकड़े हैं। ठीक है, क्या मानना है अपने को, कि ये बराबर टुकड़े हैं। अब मैं इसमें से क्या करता हूं, एक टुकड़े को अलग ले लेता हूं। ये मैंने एक टुकड़ा अलग ले लिया और पूरे का भार 12 था, 12 के बराबर 12 टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़े का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, ये एक टुकड़ा बाहर आ गया। इस ये क्या है, इसको मैं क्या कहूंगा, कार्बन 12 का 1/12 भाग हो गया। ठीक है, और इसका इकाई द्रव्यमान हो जाएगा। अब मैं इसकी सहायता से जो है किसी को भी तोल सकता हूं, क्योंकि इसका द्रव्यमान 1 है। अब समझ में आई बात। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस CO2 को तोलने के लिए कार्बन 12 के 1/12 भाग के टुकड़े मैं यहां रखूंगा। ये क्या है मेरे पास, ये है कार्बन 12 का 1/12 भाग। ठीक है, और जिसका द्रव्यमान कितना है, जिसका द्रव्यमान जो है इकाई द्रव्यमान है। ठीक है, अब इसकी सहायता से जो है मैं इसको तोलूंगा, तोलूंगा तो क्या करूंगा, मैं इस कार्बन 12 के 1/12 भाग के टुकड़े रखते जाऊंगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे 44 टुकड़े रखूंगा तो ये CO2 इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो CO2 है वो इस कार्बन 12 के 1/12 भाग से 44 गुना भारी है, 44 टाइम जो है हैवियर है, भारी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो CO2 है, जो CO2 है उसका आणविक द्रव्यमान जो है, वो अणु भार जो है वो 44 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वो CO2 को तोलेंगे। तोलना किससे है, कार्बन 12 के 1/12 भाग से, और बाद में हम कहेंगे कि किसी भी अणु का मतलब किसी भी एक अणु का जो भार है वो कार्बन 1/12 भाग से जितने गुना भारी होगा वही उसका आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। देखो, परिभाषा क्या लिखता हूं कि अणु भार
या आणविक द्रव्यमान, ठीक है, अणुभार, अणु भार वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो जो यह बताती है कि, जो यह बताती है कि कोई अणु, कोई या किसी एक अणु का भार किसी एक एक अणु का भार कार्बन 12 के कार्बन 12 के 1/12 भाग से 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है आपके पास अणुभार की परिभाषा आ जाएगी कि हम कहेंगे कि अणुभार वो एक संख्या है जिस जो ये बताती है कि कोई भी अणु, किसी एक अणु का द्रव्यमान, कोई एक अणु का भार कार्बन 12 के 1/12 भाग से जितने गुना भारी है वो उसका अणु द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि CO2 जो है वो कार्बन 12 के 1/12 भाग से 44 गुना भारी है, तो CO2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना आ गया बच्चों, 44 आ गया, 44 आ गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर अब हम हर बार जो है हम कार्बन 12 का 1/12 भाग का टुकड़ा कहां से लेकर के आए, हम वो तराजू कहां से लेकर आए जो इसको तोल दे, है ना। तो इसलिए क्या है कि अणु भार निकालने का एक सीधा सा तरीका है भाई, क्या है, एक सीधा सा तरीका है, क्या करो, सबसे पहले तो ये मैंने कुछ परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं, इनको आपको याद करना है। ठीक है, इनको याद करना है तो इनका क्या फायदा होगा, इनका क्या फायदा होगा मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे उदाहरण शुरू करता हूं मैं, उदाहरण नंबर एक, चलिए अभी मैंने बात करी CO2 की, तो CO2 का अणु द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों एक चीज आपको समझ में आ गई क्या, कि जो अणु होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है, तो CO2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे एक कार्बन परमाणु, दो ऑक्सीजन परमाणु, तो इनसे मिलकर बना हुआ है। तो अगर मुझे इस पूरे अणु का द्रव्यमान अगर निकालना है तो इन परमाणुओं के द्रव्यमानों को आपस में जोड़ दूं, कार्बन का, ऑक्सीजन का और दो ऑक्सीजन का मतलब द्रव्यमान जोड़ दूं तो टोटल अणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या कर सकता हूं बच्चों, क्या कर सकता हूं, मैंने सबसे पहले तो लिखा कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का होता है 12, फिर मैंने लिखा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन होता है 16, ऑक्सीजन 2 है तो मैं लिख देता हूं 16+16 और ये मेरे पास आ जाएगा 44, 16 × 32 और 12 को जोड़ोगे तो 44 जो है इसका जो है आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर हो गया एक, एग्जाम्पल नंबर हो गया एक, क्या ये आपको समझ में आ गया क्या बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर मैंने एक कर दिया और आप समझ गए कि परमाणुओं के द्रव्यमानों का अगर जोड़ दो तो आपके पास अणु का द्रव्यमान आ जाएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल करवाता हूं, जैसे मैंने लिखा H2O, क्या लिखा H2O, अब मुझे H2O का द्रव्यमान निकालना है तो मैं क्या करूं, पहले हाइड्रोजन का लिखूं, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, दूसरे का फिर 1, फिर ऑक्सीजन है तो 16, 1+1+16 किया तो ये आ गया 18। तो ये लो बच्चों, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया जिससे हम इसका आणविक द्रव्यमान निकाल पा रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो बच्चों, कि मैंने एग्जाम्पल लिखा NH3, क्या लिखा NH3, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं पहले करवा रहा हूं, गौर करो क्या करना है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14, अब इसके साथ जोड़ो 3 हाइड्रोजन है तो 1+1+1, अच्छा इसको हम 1+1+1 कहकर कहें या फिर 1×3 कहें, बात एक ही है ना, दोनों ही बातें एक ही है यार। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1×3, अब टोटल किया तो ये कितना आया 17, कितना आया 17। तो इस प्रकार से ये लो, ये एक और एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप कह रहे हो, कहोगे कि सर सर एक बात बताओ कि अब हमें सारे परमाणुओं के द्रव्यमान आने चाहिए अगर अणुओं का द्रव्यमान निकालने, तो देखो यहाँ पे कार्बन का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, इनकी पता होना चाहिए, तो हम कैसे पता करें। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसीलिए मैंने आपको ये टेबल बना करके दे दी है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, अपने साथ चलेंगे तो आपको दिक्कत बहुत ही कम आएगी। मैं सारी चीजें, काफी लंबा एक्सपीरियंस है तो मैं सब बच्चों को जानता हूं कि किस बच्चे
बच्चे की क्या समस्या आ सकती है, कैसे कहां चीज बताई जाए ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, वो सारी समस्याएं जो है मैं आपकी सॉल्व करता जाऊंगा। चलिए अब क्या है कि ये मैंने एक टेबल दे रखी है और इस टेबल के अंदर जो है वो आप क्या हर किसी एक से लेकर के 30 तक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान दे रखे, वो आप एक बार नजर मार लेंगे, ना कि रट्टा नजर मार लेंगे तो आपको वो बातें याद रह जाएंगी। लेकिन एक आपको समस्या आएगी, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इसमें 1.008 दे रखा है, तो आप इसको एक ही याद कर लेना। क्या कर लेना बच्चों? एक, इसको आप मान लो एक याद कर लोगे। क्लियर? इसको आप एक याद करोगे, ये इसको आप एक ही याद कर लोगे, ठीक है। इसको 4.00 तो इसको 4 ही याद करो, 6.97 तो इसको 7 याद कर लो, ठीक है। मैं जो रेड इंक से लिख रहा हूँ वो याद कर लेना, 9.01 से 9 याद कर लेना, ठीक है। बोरोन का आप 11 याद कर लेना, 12.001 को आप सिर्फ 12 ही याद कर लेना, इसको 14.007 को 14 ही याद कर लेना, ठीक है। 15.999 तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 16, तो इसको 16 याद कर लेना। 18.999 तो इसका मतलब इसको 19 याद कर लेना, ठीक है। ये नियोन 20.18 तो इसको 20 ही याद कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको एक बार जो आप मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ना वो याद रख लेना, ये पॉइंटों वाले ठीक है एक बार नजर मार लेना, लेकिन याद मत करना, याद जो है आपको क्या करना है रेड इंक से वाले, और रेड इंक वाले भी आपको एक बार नजर मारनी है ताकि जो है, और आपको आगे मैं क्वेश्चन दूंगा तो वो करने के लिए काम में भी आ जाएंगे, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन दूंगा अभी आपको करने के लिए, तो वो आपको ये काम में आ जाएंगी ये चीजें, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये देखो ये आपके पास 2.99 है तो इसको 23 याद कर लो। चलिए मैग्नीशियम को आप 24 याद कर सकते हैं, इसको आप 27 याद कर सकते हैं, इसको आप 28 याद कर सकते हैं, फॉस्फरस को आप 31 याद कर सकते हैं, ठीक है। सल्फर को आप 32 याद कर सकते हैं, और ये 35.5 हो जाएगा, 35.5 क्लोरीन 35.5 होता है, आर्गन जो है वो 40 हो गया, 39.948, तो ये क्या हो गया लगभग 40 के बराबर ही हो गया, तो इसको 40 मान लेंगे। ये है, ये अपने पास 39 ही है, ठीक है। कौन? पोटेशियम, कैल्शियम जो है फिर 40 आ गया, और स्कैंडियम जो है वो क्या आ गया, 44 आ गया, और इसी तरीके से टाइटेनियम जो है 48 आ गया, सॉरी ये 45 हो जाएगा ना, 44.9 है तो 45 हो जाएगा, और ये भी लगभग 45 ही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये 51 हो जाएगा, कौन? वैनेडियम 51 हो जाएगा। ये चीजें जो मैं रेड इंक से लिख दी हैं, इसको आप ढंग से याद कर लेना, पॉइंटों में जो है, क्योंकि बुक पॉइंटों में बताती है, लेकिन कैलकुलेशन में अपने जो उसका मतलब एक नियर जो बाय जो नंबर जो बनता है उस नंबर को अपने याद रखते हैं। क्लियर? तो इसलिए जो है ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और है, जैसे क्रोमियम है तो ये 52 हो गया, 52 क्योंकि 51.9 हो गया, ये 54.9 है तो इसका मतलब ये 55 हो गया, 55.8 है तो इसका मतलब ये 56 हो गया, ये 57 हो गया, ये जो है 58 या 59 हो गया, ठीक है। और ये जो है इसका हो जाएगा अपने पास, इसको 63.5 याद रख ले, ठीक है। और जिंक का जो है वो 65 ही हो गया। चलिए तो इस प्रकार से जो है इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चले तो ये जो है वो आपके पास सारे तत्व हो गए। चलिए इसको जो है इसको भी अपने 58 याद रखो, 58, ठीक है। ये तो 58.9 का इसका मतलब है 59 हो गया, ये 59, और ये हो गया आपके पास 58, ठीक है। 59 भी याद कर सकते हैं, ये लगभग 58-59 ही होता है। तो ये जो है वो आपको नाम नंबर याद कर लेने, तो इससे जो है अधिकतम काम आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों अब आ जाओ आप आगे, अब मैं एग्जांपल्स करवाता हूं, तो वो टेबल जो मैंने अभी आपको समझाई है वो टेबल आपको यूज होती रहेगी। अब मैं कुछ बड़े एग्जांपल लेता हूं, कुछ बड़े एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया H2SO4, क्या लिया? H2SO4, ये एग्जांपल लिया। अब इसके अंदर अगर आपको इसका इस पूरा ये पूरा एक अणु है, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक अणु है। अब इसके अंदर अपने को इसका अणु द्रव्यमान निकालना है, तो इनके परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लो। क्या कर लो? हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। तो कितने होते हैं ऑक्सीजन? कितने हैं? 4। तो गुणा 4 कर लो, या तो आप 16 + 16 + 16 करो, या फिर 16 × 4 कर लो। तो आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 32 और प्लस 16 × 64, तो ये सॉल्व करोगे तो ये 98 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है आप सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करना है, मैं यहां पर एक नंबर डाल रहा हूं क्योंकि और भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो आपको NaOH का अणुभार जो है वो बना करके और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, बच्चे जरूर आंसर करना है ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन कौन बच्चे जो है वो एक्टिव है और रेगुलर जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। चलिए अब आओ आप आगे, आगे क्या है कि नेक्स्ट जो है अपने पास एक टॉपिक है कि सूत्रभार। क्या है? सूत्रभार। जैसे अणु द्रव्यमान है ना, अणुभार है, वैसे ही सूत्रभार है। जैसे अणुभार है वैसे ही क्या है? सूत्रभार है। तो सूत्रभार कब काम में आता है पहले तो ये जान ले बच्चों। सूत्रभार तब बोला जाता है जब कोई अणु अपने जैसा उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है वैसे ना रहे। जैसे मेरे पास एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है, ये सूत्रभार नया टॉपिक समझा रहा हूं, गौर कर लेना ठीक है। तो जैसे मेरे पास कोई आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक वो होता है जो प्लस माइनस से बना हो, तो ये मेरे पास Na प्लस और Cl माइनस ठीक है, ये आयनिक यौगिक है। अब मैंने ये तो इसका क्या लिखा है बच्चों, ये तो मैंने इसका लिखा है सूत्र, लेकिन ये वास्तव में अणु में ऐसे नहीं रहता। वैसे ये अणु में ऐसे नहीं रहता, इस NaCl की संरचना इस प्रकार से होती है, ये जो मैंने बढ़ा रखी है। ये संरचना किसकी है? ये संरचना है बच्चों किसकी संरचना है? ये NaCl की है। किसकी है? NaCl की है। इसके अंदर NaCl NaCl के रूप में नहीं रहता, Na अलग रहता है, Cl अलग रहता है। देखो जैसे इसके अंदर देखो छोटा आयन जो है ये Na है और बड़ा ग्रीन जो है वो Cl माइनस है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ये रहा Na, ये रहा Na, अब इसके यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl और नीचे Cl, तो एक Na जो है वो 6 Cl से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से अगर आप एक Cl को देखो तो वो भी जो है वो 6 Na से जुड़ा होता है। एक Na, एक Na देखो बीच में Na है, इधर Cl, एक फिर दो तीन चार, एक ऊपर पांच और एक नीचे 6, एक Na 6 Cl से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से एक Cl जो है वो 6 Na से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब इसका सूत्र NaCl के रूप में तो रहा ही नहीं, ये तो क्रिस्टल के अंदर इसकी स्पेसिफिक स्थिति है वहीं में ही पड़ा है ठीक है। तो हम इसका अणुभार कैसे निकालें, इसका अणुभार कैसे निकालें? तो वो कहता है कि इसको छोड़ दो, आप सिर्फ इसका सूत्र काम में लो, सिर्फ इसका क्या लो, सूत्र काम में लो और सूत्र से उसका सूत्र भार निकाल लो। कैसे सूत्र भार निकाल लो कि भाई आपने क्या किया, आप Na का कैसे निकालते हो अणु भार, सूत्र भार कैसे निकालोगे? जैसे इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार दोनों का जोड़ दोगे तो सूत्र भार आ जाएगा। इसका परमाणु भार कितना होता है? Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 58.5 ठीक है, जोड़ दिया ना 0.5, 3 और 5 8, 2 और 3 5, 58.5 आ गया ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट है कि सर ऐसे ही तो हमने अणु द्रव्यमान निकाला था और ऐसे ही आप सूत्र द्रव्यमान निकाल रहे हो, तो सूत्र भार और अणु भार में फिर अंतर क्या हुआ? अरे बच्चों कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल तुम सही हो, जो तुम सोच रहे हो उसमें बिल्कुल तुम सही हो, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। जो अणु भार होता है वही सूत्र भार होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अंतर एक ही चीज का है कि जब आयनिक यौगिक होता है तो आयनिक यौगिकों का सूत्र भार निकाला जाता है और आयनिक यौगिकों का जो सूत्र भार होता है वही उनका अणु भार होता है ठीक है। तो इसके अणु भार और सूत्र भार में आपको कोई अंतर नहीं करना, अगर कोई विशेष रूप से पूछ ले तो आपको कह देना है कि भैया जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका अणु भार नहीं निकाला जाता, उनका सूत्र भार निकाला जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि अणु भार और सूत्र भार दोनों उसके सेम बराबर ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। बस सूत्र भार हम इसलिए कहते हैं कि जब क्रिस्टल में NaCl पाया जाता है तो वो सिर्फ NaCl के रूप में नहीं पाया जाता, वो Na अलग रहता है, Cl अलग रहता है, एक Na से अलग अलग Cl जुड़े होते हैं, एक Cl से अलग अलग Na जुड़े होते हैं ठीक है। तो इसलिए हम वो सारे को तो ले नहीं सकते, हमने इसका सूत्र बना लिया Na प्लस और Cl माइनस, एक NaCl सूत्र बना लिया और उसी सूत्र का भार निकाल लिया, यही सूत्र भार जो है उसका अणु भार के बराबर हो जाता है ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है हम सूत्र भार भी निकाल सकते हैं। चलिए अब अपने आते हैं नेक्स्ट, ग्राम अणु भार। ओहो बहुत ही बढ़िया बात है, ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये अब आपको सीखना है ठीक है, आज की क्लास में ये सीखेंगे बच्चों। एक जरूरी सूचना मैं आपको दे दूं कि कल से अब तक जो आपने 11th पढ़ा है उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल मैं शुरू करने वाला हूं अगली क्लास से, वो टॉपिक का नाम है मोल अवधारणा। क्या नाम है? मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप हर हाल में ज्वाइन करना, सभी लोग जो है साथ के साथ क्लास देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है और सारी केमिस्ट्री आगे की उसी मूल अवधारणा पर ही चलने वाली है। इसलिए आपको अगर आपने सोच लिया कि मेरे को साइंस पढ़नी है तो मूल अवधारणा से आपको फुल डिटेल से पढ़नी है, क्लियर। चलिए, उसके लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आप ये कर रहे हैं, तो इसको जो है वो आप अच्छे से सीख लें। चलिए, हमने क्या करना है, ग्राम अणु भार निकालना है। जैसे परमाणु भार और ग्राम परमाणु भार होते थे ना, वैसे अणु भार और ग्राम परमाणु भार है। जैसे सुने, मैंने कहा CO2 का अगर कहा जाए कि अणु भार कितना है, CO2 का अणु भार अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 44, ठीक है। और इसकी इकाई भी AMU या UE होती है, ठीक है, तो इसका U इसकी इकाई होगी। ये क्या हो गया, U इसकी इकाई होगी, ये U इसकी इकाई है। मैं अलग पेन से लिख दूं, नहीं तो आप कहोगे ये चार ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 44 U है, या तो सिर्फ 44 लिखा होगा या सिर्फ 44 U लिखा होगा। U जैसे परमाणु द्रव्यमान की इकाई थी, यूनिफाइड मास U, उसी तरीके से इसकी भी इकाई क्या होती है, U ही होती है, ठीक है। तो ये तो इसका अणु भार है। अगर कह दिया जाए कि CO2 का ग्राम परमाणु भार क्या है, ग्राम अणु भार क्या है, तो बहुत ही आसान, आप 44 के साथ क्या लगा दो, 44 के साथ लगा दो आप ग्राम, तो इसका मतलब है ये आपका ग्राम अणु भार बन जाएगा। GM अगर आप किसी को नहीं समझ में आता तो मैं इसको ग्राम लिख देता हूं, तो अगर कोई ग्राम लिख देगा, 44 ग्राम लिख देगा, तो ये ग्राम अणु भार, सीधा लिख देगा तो वो अणु भार, क्लियर होगी बात। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर एक था, अब मैं एग्जाम्पल नंबर दो करता हूं, देखें क्या। जैसे मेरे पास कोई आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि कोई एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपने, मैंने लिख दिया ये लो, देखो मैंने लिख दिया NS3 का अणु भार कितना है। अगर पूछा जाए NS3 का अणु भार कितना है, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 3 है, तो 1 × 3 = 14 + 3 कितना हो गया, 17। अगर तो लिखा हुआ है 17U, तो इसका मतलब है ये इसका है अणु भार। अगर आपको कहा जाए NS3 का ग्राम अणु भार क्या है, तो बच्चों आप 17 के साथ क्या लगा दो, 17 के साथ ग्राम लगा दो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राम अणु भार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप ग्राम अणु भार समझ गए, ठीक है। तो किसी भी अणु के अणु भार को अगर ग्रामों में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वह उसका ग्राम अणु भार हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हो कि किसी अणु के अणु भार को यदि ग्रामों में प्रदर्शित किया जाए, तो वह उसका ग्राम अणु भार कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात होगी, लेकिन एक बात दिमाग में सदैव रखना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये 44 ग्राम और ये 44 यू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। कहीं आप कह दो कि सर दो इसी को ही तो ग्राम में लिखा है तो ये बराबर होंगे, नो, 44 यू और 44 ग्राम कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इसी तरीके से 17 यू और 17 ग्राम भी आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, क्लियर। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि कैसे बराबर नहीं होंगे। जैसे आपको एक बात मैंने बताई थी, याद होगी, कल मैंने बताई थी क्या, कि एक AMU, या हम इसको यू कह देते हैं, कि एक MU या U जो है ना वो 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम के बराबर होता है, तो इस प्रकार से ये मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में, आज आप और देख लें कि एक AMU या एक U इतने ग्राम के बराबर होता है,
ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता कि CO2, CO2 के एक अणु, CO2 के एक अणु की ग्रामों में, एक अणु का ग्रामों में द्रव्यमान क्या होगा, एक अणु का ग्रामों में या ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, CO2 के एक अणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप इसको कैसे हल करते बच्चों, कैसे हल करते, आप कहते कि पहले तो आप CO2 का अणु भार निकाल लो, अणु भार निकाल लो। तो आपने कहा कितना आया, 44 आया। बार बार हम लिख रहे हैं तो इसलिए अब थोड़ा याद भी रहना, मतलब ऐसी चीज चीज को देखो ना बड़ी शिद्दत से देखो कि वो चीज आपको याद रहने लग जाए, ठीक है। अब 44 इतनी बार निकाल लिया आपने कि अब याद रहने लग जाना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, 44 ए एन यू है, ठीक है। अब मुझे इसको ग्राम में बदलना है तो आप कहोगे सर अणु का ग्रामों में लिखना है तो 44 को 44 ग्राम लिख लो। नो, हम प्रदर्शित करते, अगर मैं 44 ग्राम लिखा होता तो मैं इसको ग्राम अणु भार कह सकता था, लेकिन मैं इस 44 एएमयू को 44 ग्राम नहीं लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक एएमयू बराबर होता है क्या, एक एएमयू बराबर होता है 1.6605 भी लिख सकते हो या सीधा ही कर सकते हो, इंटू 10^-24 ग्राम होता है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं बच्चों, अतः अतः 44 ए एम यू बराबर होगा, 44 ए एम यू कितने ग्राम के बराबर होगा, एक ए एम यू इतने ग्राम के बराबर है, दो कितने के बराबर होगा, इसको दो से गुणा कर दो, तीन कितने के बराबर होगा, इस ग्राम में मात्रा को तीन से गुणा कर दो, चार ए एम यू कितने ग्राम के बराबर होगा, 4 × 1.66 × 10^24 कर दो, तो 44 कह रहा है तो आप कर दो 44 × 1.66 × 10^-24 कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा किसमें हो जाएगा बच्चों, ग्रामों में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7.304 × 10^-23 ग्राम आ जाएगा, अगर जब आप इसको इसकी गणना करोगे तो इतना मान आ जाएगा, ठीक है। तो एक अणु का द्रव्यमान इतना होता है। आप कहीं सीधा 44 को 44 ग्राम लिख करके आंसर मत दे देना, आप क्योंकि आपको पता है कि एक एएमयू बराबर 1.66 × 10^-24 ग्राम होता है, तो जितने एएमयू है उतने एएमयू को 1.66 × 10^-24 से गुणा करोगे तब जो है तब आपके पास ग्रामों में मात्रा आएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CO2 का ग्राम अणु भार कितना है तो आप 44 ग्राम कह सकते हो, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि एक अणु की ग्रामों में मात्रा कितनी है तो भैया जितने AMU है ना उतने को हम किसको किससे गुणा करते हैं, उसको उसको हम 1.66 × 10^-24 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक AMU बराबर 1.66 × 10^-24 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये बात समझनी है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि NaOH का अणु भार क्या होगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको यूं कह रहा हूं, चलिए क्वेश्चन वही कर देता हूं, क्वेश्चन यही कर देता हूं, मैं कहता हूं कि NaOH का अणु भार कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, मैं कहता हूं NaOH का ग्राम अणु भार क्या है, ग्राम अणु भार क्या है, और क्वेश्चन नंबर तीन मैं कहूं कि NaOH OH के एक अणु का भार, एक अणु का ग्रामों में भार क्या है, ग्रामों में भार क्या है। तो ये तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आप अगर चाहो तो मैं करवा देता हूं, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं फिर मैं दूसरा दूंगा आपको। देखो मैंने कहा कि NaOH के का अणु भार कितना है, तो मैंने क्या किया, Na का होता है 23, क्या होता है बच्चों 23, और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 किया तो मेरे पास आ गया 40, ठीक है। ग्राम अणु भार पूछा, अगर मेरे से ग्राम अणु भार पूछा तो मैंने क्या किया, NaOH का जो अणु भार आया इसको ग्रामों में लिख दिया, तो 44 ग्राम मैंने लिख दिया तो ये मेरे पास ग्राम अणु भार हो गया। फिर कहा कि एक अणु का भार कितना होता है, अरे एक NaOH का AMU में भार कितना है,
44 amu है, अब उसको मुझे ग्राम में बदलना है एक अणु को, तो मैं क्या करूंगा 40 × 1.66 × 10⁻²⁴ कर दूंगा, तो मेरे पास ये ग्रामों में मात्रा आ जाएगी, इतने ग्राम जो है वो एक अणु का भार होगा। ठीक है, तो अब इन तीन चीजों में डिफरेंस करना सीखो। अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो भाई इन चीजों में डिफरेंस करना सीखो, अगर आपने ये डिफरेंस नहीं किया तो इट मींस जो है फिर गड़बड़ हो जाएगी। अणु भार क्या है, ग्राम अणु भार क्या है, एक अणु का ग्रामों में भार क्या है, ये तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों चीजें अलग अलग है। हमें देख करके कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया एक ही चीज लग रही है, लेकिन तीनों चीजें अलग अलग है। देखें, अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन ये है कि आपके पास CH4 है, आसान ही है, आसान दे रहा हूं। CH4 मेथेन होती है ना, तो आपको नंबर एक बात आपको क्या बताना है, मेथेन का अणु भार बताना है, अणु भार बताना है। आपको नंबर दो बात CH4 का ग्राम अणु भार बताना है, ग्राम अणु भार क्या होता है। इसको जब तक आप पेन से करोगे नहीं तब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखना, CH4 के एक अणु की ग्रामों में मात्रा क्या होगी, या ग्रामों में भार क्या होगा, ग्रामों में भार क्या होगा, ये तीन चीजें आपको बतानी है। अगर ये तीन चीजें आप लिख लोगे अपने से खुद से, तो फिर जो है आपके डाउट जो है आपके माइंड के अंदर पिक्चर जो है बिल्कुल साफ साफ हो जाएगी इस चीज को लेकर के। क्लियर बच्चों? चलिए, अब कल का जो टॉपिक है वो है मोल अवधारणा। लेकिन इससे पहले सभी लोग परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान सब लोग देख करके आना, और जो मैंने टेबल दी है उस टेबल को एक बार नजर मार के आना, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। मजा आ जाएगा, मजा, क्योंकि मोल अवधारणा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं अपने मोल अवधारणा टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, गुड लक, गुड बाय। और जो बच्चे बिना चैनल सब्सक्राइब किए देख रहे हैं ना भैया, वो आधा अधूरा ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो वो क्लास देख लेते हैं फिर चार दिन बाद क्लास देखते हैं, तो इसलिए जो है वो अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो डेली का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जैसे ही क्लास पहुंचेगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो क्लास देख लिया करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आपकी क्लास मिस होने की पूरी संभावना है। और साइंस के अंदर तो जैसे ही आप पलक झपकाते हो ना उतने में नुकसान हो जाता है, उतने में नुकसान हो जाता है, और एक क्लास ही चली गई फिर तो समझो कितना ही बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई भी क्लास नहीं मिस करनी, तो फटाफट जो है हम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, गुड लक, गुड बाय।